एकदम उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी इंटरवल होने वाला है, आई एम वेटिंग टू सी कि लोग क्या कहते हैं फिल्म के बारे में। कल जो स्क्रीनिंग हुई थी उसमें लोगों को बहुत पसंद आई और सच में बहुत खूबसूरत फिल्म है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने बल पे फिल्म चले। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने कल ही देखी थी फिल्म के लिए, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने कल ही देखी थी फिल्म और पहली बार देखी थी इंडिया कट, और मुझे काफ़ी पसंद आई। सिर्फ अपने लिए नहीं, आप भी देखेंगे तो शायद यही कहेंगे होपफुली, और जितने भी दर्शक कल थे उनको भी पसंद आई। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग्स का रिस्पॉन्स आता जा रहा है, हम सब ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है, नर्वस कल तक तो नहीं थे लेकिन आई थिंक कल तक ज़रूर हो जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत एक्साइटेड है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को कैसी लगेगी। बॉलीवुड की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, एंड स्पेशली क्योंकि हम न्यू कमर्स हैं तो हमारे लिए सपोर्ट प्यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल हमने देखी कुछ स्टार्स के साथ, कुछ सेलिब्रिटीज के साथ, एंड उनको बहुत बहुत उनकी मुस्कुराहट से तो ऐसे ही लगा कि बहुत पसंद आया उन्हें। बाकी ये रहे हमारे बिगेस्ट स्टार चैंपियंस। ये अच्छा है, अच्छा है, सब रिएक्शन अच्छे मिल रहे हैं, थैंकफुली पॉजिटिव मिल रहे हैं, एंड इट्स ऑल बीन गोइंग गुड, सो वी आर फिंगर्स क्रॉस, इसके वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। इतनी बड़ी आशाएं नहीं रखी, हो जाए बहुत अच्छा है, जो भी हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा हो, आई होप भाई हो। बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ के लोग हमारी फिल्म को कैसे सराहते हैं, एंड वी रियली होप कि वो सराहें। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत लोग देख रहे हैं, एंड आई होप सबको पसंद आए। ग्रेट, लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, बट लोगों को पसंद आ रही है। ये डायरेक्टर साहब है, ये आप अच्छा दिल से पूछे। नहीं, हमसे क्या पूछे। सर, फिल्म कांस में जा चुकी है, और क्या एक्साइटमेंट है उनके लिए? अभी एक्साइटमेंट इनके लिए, अभी हमारे कंट्री में दिखा रहे हैं जिनके लिए फिल्म बनाए हैं, तो उनको दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, सबसे ज़्यादा खुशी यहीं पे होगी। नहीं, अपेक्षा कुछ नहीं है, जितनी मेहनत करनी थी कर ली है, बाकी सब जहाँ उसको जाना है जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्स तो क्या है, वही सब लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग बस छू ले रहे हैं और गले मिल रहे हैं, हम तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, कोई बात नहीं कर पा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसे एग्जीक्यूट करना और बनाना बहुत ही मुश्किल, तो जाहिर सी बात है कि मैं निर्देशक का नाम लूँगा, साथ में सिनेमाटोग्राफर जो हैं, डीओपी जो हैं, और पूरा टेक्निकल जो टीम है, एडिटर जो हैं, तो पूरा जो टीम है, और ख़ास तौर पर प्रोड्यूसर्स जो हैं, फैंटम फिल्म्स जो हैं, विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप, पूरा टीम जो है, दाद देनी पड़ेगी कि एक पहली बात तो ऐसी कहानी पे भरोसा रखा और यू नो सहारा दिया है ऐसी फिल्म को, और बहुत खुश हूँ कि ऐसी फिल्म बनती है। जी हाँ, प्रेम रतन फिल्म पाई आ रही है दिवाली में। फिल्म बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आई थिंक ये साल बहुत ही अच्छे डेब्यूटेंट्स के लिए, नीरज भाईवान उसमें एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। पहले आप स्कूल के बाद में वाले थे, लेकिन बाद में
आई थिंक माय बैड लक आई वुड से काश मैं होता इस फिल्म का हिस्सा, बट मैं नीरज को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आगे बहुत काम करेंगे। बहुत पावरफुल है इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेज, म्यूजिक, लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग, इट्स अ कंप्लीट फिल्म। आई एम जस्ट स्टन्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डिस्क्राइब। इंडिपेंडेंस कम्स आउट टू नेक्स्ट मंथ, सो एनीथिंग वुड लाइक टू डेडिकेट टू आवर मदर। यू नो राइट नाउ आई एम इन दैट जोन, आई एम लिविंग द फिल्म्स एक्सपीरियंस, सो बट आई वुड ओनली आई कैन जस्ट से दैट हैप्पी इंडिपेंडेंस टू टू ऑल माय ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। Sorry, I need, right now I'm not in the frame of mind. Why not? Yeah, I hope your Oscar तक पहुँचे और जीत के भी लाए. Why not? I think it's totally deserving. Thank you. बारह जो देखिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं रुक गया आपसे बात करने के लिए। इस तरह की फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं तो स्थिति में नहीं हूँ कि मैं बातचीत कर सकूँ, और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा बात करना। ये आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको इतना ले जाती है फिल्म। मैं ये कहूँगा कि इतनी बहुत प्यारी फिल्म है, मैं आप सबको गुजारिश कर रहा हूँ, डू योर सेल्फ अ फेवर, वॉच दिस फिल्म। एंड मेरे लिए जो ये दो घंटे का जो अनुभव रहा है, मैं यही कह सकता हूँ कि जब मैं सुबह उठूँगा, मेरी जो ये गारंटी है कि आई विल बी अ बेटर ह्यूमन बींग, अ बेटर एक्टर, एंड ये आपको कुछ करेगी, ये छन्नी की तरह छान देगी आपको। प्लीज़ वॉच द फिल्म। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मीनिंगफुल फिल्म है, कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टर्स बहुत बहुत ऑथेंटिक है। आई थिंक इट्स रियली यू जस्ट गेट लॉस्ट इन द स्टोरी ऑफ द फिल्म। क्यों नहीं, आई थिंक मुझे तो पता नहीं है, बहुत ज़्यादा फिल्म्स आर यू नो वर्दी ऑफ एन ऑस्कर आई फील, बट वी कॉन्ट हैव एवरी फिल्म, ओनली वन फिल्म गोज़ टू द ऑस्कर्स, बट ऑफ कोर्स आई थिंक मसान इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर। Yes, yes, yes. I thought they were very strong. I've actually seen Shweta in another film, Shlok Sharma's film Rampur. She's brilliant in that, and this is her second film, I think. And Vicky was also super, very, very, very sincere. Beautiful characters. Thank you. Good night. बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत ओवरवेलमिंग है। नीरज गहवान का डायरेक्शन, ही इज डन अ फैंटास्टिक फिल्म, फैंटास्टिक जॉब। द स्क्रिप्ट आई थिंक द स्क्रिप्ट इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म, एंड ही इज़ एन अमेजिंग स्टोरी टेलर नीरज। The performances are phenomenal, and each and every performance, and it's a must watch. Must watch. तो आपसे आप फिल्म लेके आई थी है, तो जिस तरीके से कांस तक ये फिल्म पहुंची, क्या लगता है ये फिल्म ऑस्कर में जानी चाहिए? अरे यार, ये तो मुझे पता नहीं यार, ये फिल्म पे नहीं डिपेंड करता। तो भैया इतने इंटरव्यूज तो कर चुके हूँ मैं यहाँ पे, वही बोलूँ। सी ही इज़ बिन आई बिन अ फैन ऑफ हिज सिंस माई कॉलेज डेज, सिंस आई सॉ हिज फिल्म्स इन अ फेस्टिवल ऑफ सत्यजीत रे फेस्टिवल, सो सिंस देन आई हैव ऑलवेज बिन इन ऑन, आई नेवर थॉट आई विल बी एबल टू वर्क विद हिम। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अ कपल ऑफ इयर्स अगो टू वर्क विद इन अ बंगाली फिल्म, एंड देन आई थॉट ओके दिस इज ओनली वन एंड ओनली अपॉर्चुनिटी। दिस टाइम वी वर फ्रेंड्स, वी न्यू ईच अदर ऑलरेडी, हैड वर्क विद हिम, सो आई वॉज नर्वस एट ऑल, सो इट वॉज अ रियली लाइक अ फैन गर्ल मोमेंट फॉर मी। एंड सुजो इज अगेन सच अ गुड डायरेक्टर एंड स्टोरी टेलर, आई होप टू वर्क विद हिम। क्या कर रहा है यार? डायलॉग कर रहे हैं।
भाई थोड़ा सा जोर से बोलो. How did you like the movie? I feel the movie is beautiful. It has a lot of depth in it, and few points where I felt was very like needed message, like what I've been saying. I really like this one scene where Shraddha is telling Richa is telling her father that, you know, when he's asking her why did you do this and all, and then when she's replying small city, small minded, like narrow minded. And you know, I think it's like sort of a message of, you know, that education needs to be there, because you know what she was doing and the boy was doing, it's nothing like what was bad. And you know, few things needs to get more like educated and modern and, you know, open-minded. So yeah, and I feel it's beautiful also how, you know, they're showing these two people who have gone through something similar, and they're heartbroken, and then suddenly how they meet, how they, you know, attract each other somehow and meet at the same place, and then they start their own journey. So yeah, beautiful. Of course, it's a very beautiful and strong role that she has done. So yeah, amazing. Ellie, you have seen Bajrangi Bhaijaan? जी मैंने देखा बजरंगी भाईजान और मुझे बहुत अच्छा लगा. और कुछ पूछना है? नहीं? अच्छा, किस किस को प्यार करूँ देखना है 25th of September. Bye. Masaan is truly a coming of age of Hindi cinema. The writing, the direction, the photography, and the ensemble acting is superlative, and I'm really proud that we are in the times when a film like Masaan is made. All the best to everybody. It's a must watch. ये मैं यही कहना चाहूँगा दैट व्हेन आई हैड कम टू सी दिस फिल्म आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू सी अ वेरी गुड फिल्म बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम टोटली टेकन अबैक आई एम ओवर ऑल इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म हिंदी सिनेमा हैज मेड इट परफेक्ट एंड एवरी परफॉर्मेंस डायरेक्शन कैमरा वर्क एक्टिंग राइटिंग इट्स अनबिलीवेबल इट्स अनबिलीवेबल. It's a very good film from any standard of the world. All the best, Team Masaan. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत अच्छे से डायरेक्टेड है, और बहुत खूबसूरत काम किया है सारे एक्टरों ने. यानी मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या देखने आ रहा हूँ, और जब इतनी इंगेजिंग फिल्म है कि एक ही बात में मज़ा आ गया. वही सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, स्पेशली विकी कौशल, जो श्याम कौशल जी के बेटे हैं, उन्होंने इतना मैं ये कहूँगा कि ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जो लगता ही नहीं है कि कोई परफॉर्म कर रहा है, लगता नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है, और एकदम एफर्टलेस है उनका परफॉर्मेंस है, जो बहुत नेचुरल है, और लगता नहीं कि किसी एंगल से फर्स्ट फिल्म में काम कर रहा है. सब्जेक्ट तो लगता है मुझे रिवील नहीं करना चाहिए, वो सबको देखना चाहिए, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि देखिए हर अलग किस्म का सिनेमा होता है,
और बॉक्स ऑफिसेस, ये बॉक्स ऑफिस हमें फिल्म को तोलना ही नहीं चाहिए। अच्छी फिल्म, ये देख के फिल्म सालों तक हमारे अंदर रहेगी। आप कई फिल्में देखोगे बॉक्स ऑफिस में जो अगले दिन भूल जाओगे, तो मुझे लगता है ये फिल्म सालों तक आपके जहन में रहने वाली है। दैट मैटर्स मोर देन अ बॉक्स ऑफिस। अच्छा, ये फिल्म कांस तक पहुंची है, क्या लगता है ये ऑस्कर तक जानी चाहिए? बिकॉज़ आपने फिल्म देखी है, आप क्या लगता है? नहीं, बहुत खूबसूरत फिल्म है और डेफिनेटली इस फिल्म को जितना जितने लोग देखें, जितना लोगों तक ये पहुँचे, और मुझे लगता है ऐसी फिल्म पहुँच जाती है, उसको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना अपनी राह ढूंढ लेती है। थैंक यू सर।